मनुष्य का यह जीवन प्रकृति का अत्यंत बड़ा उपहार है अथवा परमात्मा का सबसे बड़ा प्रसाद है। हम लोग प्रभु के द्वारा दी हुई शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने स्वयं के भविष्य को उज्जवल बनावें और जिस समाज में हम जन्मे हैं, पले हैं, निवास करते हैं, उस समाज को अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करें, जितना हो सकता है उतना उसका कल्याण करने का प्रयास करें। यह करने के लिए प्रभु के द्वारा हमें शरीर का, इंद्रियों का, मन का, प्राण का, बुद्धि का बल दिया और इन सब प्रकार के बल का उपयोग करके हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। बड़ी विशेष बात यह है कि ये सारे के सारे प्रकार जितने भी बल के हैं, ये अपने आप मन के अनुगामी हो जाते हैं। मन की इच्छा शक्ति इन सब प्रकार के बलों को अपने पीछे घसीटती है और यह मन निरंतर किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में लग करके अपनी भी सारी शक्ति को क्षीण करता है और शरीर, इंद्रियां, बुद्धि और प्राण इनकी शक्ति को भी क्षीण करता जाता है। जितना उपयोग उसका होना चाहिए उतना उपयोग न होने के कारण अपने आप मनुष्य का जीवन सार्थक नहीं होता, बहुत बड़ी मात्रा में वो व्यर्थ चला जाता है। और इसलिए यदि मनुष्य अपने जीवन में अधिक से अधिक उत्तम कार्य करना चाहे जिससे कि उसका भी कल्याण हो जाए, उसके उज्जवल भविष्य का निर्माण हो जाए और संसार का भी हित हो जाए, तो उसको चाहिए कि वह अपने मन की शक्ति को कभी क्षीण न होने दे। मन की शक्ति क्षीण होती है व्यर्थ चिंतन से। हमारा मन रात दिन किसी न किसी प्रकार की उधेड़बुन में लगा हुआ रहता है और इस मन के पीछे ही सारी शक्तियां अपने आप चलती रहने के कारण वे भी क्षरित हो जाती है, क्षीण होती जाती है। मोबाइल का उपयोग हम सब लोग करते हैं। हम लोग मोबाइल का उपयोग करें चाहे न करें, यदि उसको ऐसे ही रख दिया है तो भी धीरे धीरे जैसे उसकी बैटरी डिचार्ज हो जाती है, उसी प्रकार हमारे भी मन में प्रभु के द्वारा भरी हुई जो ऊर्जा है वो सारी ऊर्जा व्यर्थ चिंतन में अपने आप बह जाती है और इसीलिए सार्थक चिंतन और कोई समाज हितकारी कार्य हमसे उतना बड़ा नहीं होता है जितना हम सोचते रहते हैं। इसलिए उत्तम साधक को चाहिए कि वह सबसे पहले इस व्यर्थ चिंतन का त्याग कर दें, इस व्यर्थ चिंतन को रोक दें। हम जब मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखते हैं तो अपने आप उसकी ऊर्जा नष्ट होना थम जाता है, बैटरी डाउन नहीं होती है। यह हम सब लोगों के परिचय की बात है। उसी प्रकार हमारा भी मन व्यर्थ चिंतन में अपनी शक्ति को खो न दे, इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। चिंतन करना अलग बात है, सार्थक चिंतन करना अलग बात है और मन में आते रहते हैं उटपटांग विचार, उनका प्रवाह एक अलग बात है। जब हम किसी विषय को लेकर के उस विषय का चिंतन करने लग जाते हैं, किसी कार्य को सामने रख करके, तो वह चिंतन व्यर्थ चिंतन नहीं कहलाता। मेरे सामने एक उद्देश्य होता है, मेरे सामने एक प्रोजेक्ट होता है, मैं उस प्रोजेक्ट का विचार करता हूं तो वह चिंतन मेरा सार्थक है। मुझे कोई एक बड़ा काम करना है अथवा मुझे कुछ लिखना है अथवा इसी प्रकार का कोई मेरे सामने एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को सामने रख करके मैं जब क्रमबद्ध चिंतन करते जाता हूं तो वह सार्थक चिंतन कहलाता है। लेकिन
विश्राम के क्षणों में जब मैं कुछ नहीं करता हूं और अकेले होता हूं, तो मेरे किसी प्रकार के लक्ष्य के बिना भी पता नहीं कहां कहां से कैसे कैसे विचार मेरे मन में आते जाते हैं। और यह किया जाने वाला व्यर्थ चिंतन, यह अपने आप होने वाला व्यर्थ चिंतन हमारी मानसिक शक्ति का क्षरण करता है, सभी प्रकार की शक्तियों का वह नाश करता है। इसको कैसे रोका जाए, यह बड़ा प्रश्न है और यह सभी का प्रश्न है। वास्तविकता तो यह है कि हमारा भगवान पतंजलि के द्वारा दिया गया योग शास्त्र और भगवद गीता में दिया गया ध्यान योग अथवा अन्य प्रकार के जो योग है, वे अंततोगत्वा इस मन के व्यर्थ चिंतन को रोकने के लिए हम लोगों के सामने कुछ कुछ उपाय रखते हैं। अब ये सारे उपाय प्रगत साधक जब करेगा तब करेगा, लेकिन सामान्यतया हम लोगों को एक बात जान लेनी चाहिए जो बड़े काम की बात है। हमारा मन खाली न रखा जाए, यह बहुत आवश्यक बात होती है। खाली मन में ही शैतानी विचार हमारी भुक्त और अभुक्त इच्छाओं के परिणाम स्वरूप आते रहते हैं। कुछ बातें मैंने पूर्व में की, वे बातें स्मृतियां बनकर के प्रवाहित हो जाती है। कुछ बातें मैं करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया, वे भी प्रवाहित होती रहती है। इनको रोका कैसे जाए? महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज जो अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष रहे और बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, उन्हें एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि महाराज, इतना महान कार्य आप करते रहे हैं, क्या कभी आपके मन में काम विकार नहीं आया? महर्षि जी ने जो उत्तर दिया वह सबको ध्यान में रखने जैसा है। उन्होंने तुरंत कहा, आया होगा, लेकिन मैं इतना व्यस्त रहा हूं कि उसकी ओर ध्यान देने जितना समय मेरे पास था ही नहीं, इसलिए वो चला भी गया होगा। आया होगा, चला भी गया होगा, मेरा उधर ध्यान नहीं। दिस इज द सीक्रेट। हम लोगों के मन में विचार जम जाते हैं और वे इसलिए जमते हैं कि या तो हम उनका विरोध करते हैं या उनका स्वागत करते हैं। उत्तम बात यह होती है कि व्यर्थ चिंतन को रोकने के लिए यूं ही आने वाले विचारों का न स्वागत किया जाए न उनका विरोध किया जाए। विरोध करने से विचार मन के बाहर जाएगा नहीं, वो मन में दृढ़ होकर के बैठेगा। और इसलिए योग वासिष्ठकार ने एक बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग किया, अनास्था परमाध्येया। उनके बारे में अनास्था कर दो, जस्ट इग्नोर देम। स्वामी जी की भाषा में बोलना हो तो उनसे असहयोग कर दो, नॉन कोऑपरेशन। न उनका स्वागत करो न उनका विरोध करो। एक अवांछित मेहमान घर में चला आया, मैं उससे बहस करता हूं तो भी वो टिक जाता है कुछ समय के लिए, मैं उसका स्वागत करता हूं तो वो टिक ही गया। यदि मैं उसको देख करके और उपेक्षा कर देता हूं, अनास्था दिखाता हूं, तो अपने आप उसे जैसे चला जाना पड़ता है, उसी प्रकार हमारे मन में आने वाले इन विचारों की भी बात है। इन विचारों को रोकने के लिए एक और भी बात है। यदि हमारा मन किसी महान लक्ष्य से भरा हुआ होगा और उसी के चिंतन में हम व्यस्त रहते होंगे और उस हमारे लक्ष्य के साथ अत्यंत प्रेम करते होंगे, तो अपने आप इस प्रकार के विचार हमारे मन में पनपने के लिए कोई अवसर मिलता ही नहीं। इसलिए उत्तम पुरुष को चाहिए कि वह सर्वदा किसी न किसी हितकारी अच्छी प्रवृत्ति में लगा रहे। मन खाली होता है तो शैतान अपना घर उसमें बसा लेता है। और इसलिए हमारे आध्यात्मिक महापुरुष कहा करते हैं, भगवान का चिंतन करो,
राष्ट्र की सेवा करने वाले राष्ट्रभक्त, उन्हें इस प्रकार के विचार सूझते ही नहीं, क्योंकि रात दिन उनके मन में ये राष्ट्र भरा हुआ है। उभरती जवानी में बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने अपने जीवन होम दिए, क्या उनके मन में कोई प्रलोभन नहीं आए होंगे? आए होंगे, लेकिन उनके पास समय नहीं था। उनके भीतर भारत माता थी, वंदे मातरम का नारा था। जिसके भीतर महान लक्ष्य भरा हुआ होता है, उसे इस प्रकार की तुच्छ बातों की ओर ध्यान देने का समय नहीं होता है। ही जस्ट इग्नोर देम। यदि मनुष्य इस प्रकार किसी महान लक्ष्य को लेकर के चलता है और उस लक्ष्य के लिए सार्थक चिंतन करने की आदत डालता है, देखो सार्थक चिंतन एक अलग बात होती है, विचार कैसे किया जाए यदि सीखना हो तो मुझे तो श्री हनुमान जी महाराज का उदाहरण सबसे बड़ा लगता है। उसके लिए थोड़ा आपको वाल्मीकि रामायण के पन्ने पलट करके देखना होगा। भगवती जानकी की खोज के अभियान में वे जब सफल नहीं हुए, तब मुझे अब क्या करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने रावण के महल के छत के ऊपर बैठ करके जो चिंतन किया है वह सार्थक चिंतन का सर्वोत्तम नमूना है। हम लोगों को किसी भी बात को अपने सामने लेकर के या तो अपने मन के भीतर अथवा कागज के ऊपर उतारते हुए इस प्रकार का सार्थक चिंतन करना सीखना चाहिए। एंड इट्स क्रिएट समथिंग, उससे अपने आप वर्तमान का सदुपयोग होता है। किसी न किसी योग्य क्रिया में मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा लगती है, और अपने आप जब यह ऊर्जा इस वर्तमान का सदुपयोग करती है तो नित्य व्यर्थ का चिंतन अपने आप चलता जाता है। व्यर्थ का चिंतन चलता गया और वर्तमान का सदुपयोग किया गया तो अपने आप भविष्य उज्जवल होना ही होना है। यह प्रकृति का नियम है और यह काम सबको करना चाहिए। जो भगवान में विश्वास नहीं करते ऐसे लोग समाज की सेवा की हितकारी प्रवृत्ति को लेकर के यदि उसमें व्यस्त हो जाते हैं तो अपने आप उनका मन समाज सेवा में लग करके उस समाज सेवा में उनको रस आता है और वे उसी में लीन हो जाते हैं। केवल दार्शनिक आध्यात्मिक चिंतन करने वाला व्यक्ति तो इस सारे संसार को आत्मस्वरूप देखता है, इसलिए आत्मीयता से सबकी सेवा में लगता है और हितकारी प्रवृत्तियां उसके द्वारा अपने आप होती है। और भगवत विश्वासी आस्तिक भक्त तो इस संसार की सेवा करते समय भी ऐसे ही मानता है कि मैं तो जगत रूप प्रभु की ही सेवा कर रहा हूं, शिव भावे जीव सेवा। और इसलिए इस प्रकार वर्तमान का सदुपयोग करते हुए सेवा के कार्य में लग गया और सार्थक चिंतन करते हुए अपने जीवन का विकास करता रहा और जगत की किसी कल्याणकारी योजना में स्वयं लगा रहा, तो अपने आप प्रभु के द्वारा दी हुई सारी ऊर्जा का सदुपयोग होता है, व्यक्ति का भविष्य उज्जवल होता है और सारे समाज का कल्याण होता है। हम सबके द्वारा वह हो जाए, ऐसी श्री प्रभु से प्रार्थना।